IPL 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन कर अपने फैंस का दिल खुश कर दिया है। दरअसल कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से शार्दुल ठाकुर और रहमानुल्लाह गुरबाज ने अर्धशतक के बाद स्पिनर्स ने दमदार प्रदर्शन की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोरो को 81 रनों से हराया है। इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोरो को सबसे ज्यादा रन से हार का सामना करना पड़ा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 204 रन का लक्ष्य बनाया। इसके जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने पहले विकेट गिरने के बाद से नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए, जिसके कारण 17.4 ओवर में ही सिर्फ 123 रन पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो है वो सिमट कर रह गए। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए वरुण चक्रवर्ती ने 4 और बाकी स्पिनर्स ने भी विकेट लिए और इस बार कोलकाता के बॉलर्स ने अपना दमखम दिखाया। 205 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए फैफ डुप्लेसी और विराट कोहली ने अच्छी शुरुआत तो दिलाई, लेकिन आरसीबी इस शुरुआत को कायम ना रख सकी और यही वजह है कि 81 रनों से आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा।